स्वाइन फ्लू की महामारी ने फाजिल्का जिले की दरवाजे पर दस्तक दे दी है। जलालाबाद के एक किसान केवल कृष्ण की स्वाइन फ्लू से मौत होने की खबर मिली है। केवल कृष्ण को बुखार और खांसी की शिकायत होने के बाद फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भेजा गया था। फाजिल्का से केवल कृष्ण को फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाने की सलाह दी। पीजीआई में पहुंचकर केवल किशन ने दम तोड़ दिया। केवल किशन को स्वाइन फ्लू होने की जानकारी फरीदकोट के डॉक्टरों ने दी थी। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर रोग की पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाता तो मरीज को बचाया जा सकता था। बता दें कि पंजाब में इस सीजन स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। फाजिल्का जिले में स्वाइन फ्लू से होने वाली यह पहली मौत है। आइए गम से डूबे मृतक केवल किशन के भाइयों की बात सुन लेते हैं। मेरे बड़े ब्रादर सी इन्होंने पहले असी फाजिल्का ले गए थे, उतो उन्होंने रिपोर्टा की सू उन्होंने शिफ्ट करता फरीदकोट में। फरीदकोट जाके उतना का पूरा इलाज है, उतो फिर असी ले गए जी अगे चंडीगढ़ लै गए पी जी। उत्थे घंटा कु असी जी अंदर घूमते घूमते रहे हैं, भी पता कर रहे डॉक्टरों का, उन्हें फिर उस तीन चार दिन बस ये सानू फरीदकोट दसता सी जी। इन्हों को पूरी केयर नहीं आई जी, ना अल्टीनेटर सीगा जी साह दवा वाला जी। उत्थे सानू पी जी वाले जवाब देता साढ़े को भी अल्टीनेटर नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल लै जाओ। जदों तक उधर लैके जाना सीगा उन्नी देर क्योंकि किन्नी देर असी इतों सफ़र किया पी जी आई गए जी फरीदकोट तो। कोई तो वैसे ही अंदर सोच सी कुछ गड्डी बड़ी स्पीड से गए हैं भी चल जाए शायद बच जाए जी। इन्हें सफ़र करते करद टाइम काफ़ी लंघ गया। इतने वेखो जी फीलिंग तो बहुत तगड़ी जी, डॉक्टर अपने सही महीने आए हैं तो जी अपन बाहर जाने की लड़ ही ना पे जी। हूँ साढ़े ना कड़ी घटना वापरी जी, ये हों ना बुखार तो बहाना बनया छाबड़े हॉस्पिटल रखे इन्हें सू फाइल का देता फाइल तो मैं कहते फरीदकोट ला जाओ। फरीदकोट वाले ने कुछ समझ गई उन्होंने दिमाग जी, उन्होंने इस फिर उन्होंने चंडीगढ़ भेजता। चंडीगढ़ गए हैं साढ़े दस बजे तक रिपोर्ट तो पता लग गया जी आई है। दो बच्चे उम्र किन्ने उम्र 53 साल बस सकती सी उदा का प्रबंध इन्नी नौकरी नहीं आती सी बाहर जान की जिन्ने देर बाहर धक्के खाते फिर उन्नी देर मतलब ठीक हो जाने से उन्हें इतने कोई इलाज नहीं गया जारी जिन्ना भी तो ना ही इतने कुछ आए हॉस्पिटल बस सीधा माड़े मोटे डॉक्टर ना दिखाओ रिपोर्ट तो दवाई ना लाओ नहीं तो इस तरह धोखा खाधी बैठे हैं होर भी ना खाओ।